ये 1 kg बोन्स है, सिर्फ हड्डियां हैं, इसके अंदर ज्यादा गोश्त नहीं है। इसको मैंने तकरीबन 2 लीटर जितना पानी लिया, इसके अंदर मैं इसको बॉईल करूंगी क्योंकि हमने इसका स्टॉक चाहिए। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी 1/2 टीस्पून जितना, और इसमें हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी। इसको हम तकरीबन 1 घंटे तक बॉईल दे देंगे ताकि इसका स्टॉक रेडी हो जाए, कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं रांधे स्टाइल हलीम। ये हलीम का स्टेप 2 है। उसके लिए हमने गोश्त को अलग से पकाना है, तो ये गोश्त का मसाला है। उसके लिए मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम जितना गोश्त, हड्डी वाला मैंने ले लिया है। इसके अंदर मसाला जाएगा जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट 1/1 टीस्पून ईच, 1/2 प्याज इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, 2 सिनेमन स्टिक दालचीनी, 4 से 5 इलायची ग्रीन वाली, 5 से 6 लौंग और 1 टीस्पून जितनी साबुत ज़ीरा। इसके अंदर जो मसाला जाएगा उसके लिए चाहिए हमें 1/2 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर क्रश वाली, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा रोस्टेड, ये दोनों मेरे पास रोस्टेड होते हैं, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने इस मसाले से इसको गोश्त को पका लेना है। स्टेप 3 के लिए मैंने लिया हुआ है ये वही वाला स्टॉक है जो हमने हड्डियों का स्टॉक बनाया हुआ था। इसमें मैंने 2 घंटे बॉईल किया, तो ये अब हड्डी निकाल दी। ये तकरीबन 2 लीटर जितना पानी है, मैंने 2.5 लीटर पानी लिया था और स्लो फ्लेम पे 2 घंटे रख दिया और हड्डी निकाल दी इसमें, तो ये हड्डियों का स्टॉक है। इसके अंदर मैंने 250 ग्राम ऑफ टूटे हुए गेहूँ लेते हैं इसके अंदर। इसको मैंने वॉश करके भिगो दिया था 2 घंटे तक, तो ये भिगोए हुए गेहूँ है। इसके अंदर जो मसाला जाएगा उसके अंदर हमें चाहिए जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट 1/1 टीस्पून ईच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून रोस्टेड है ये मेरे पास, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून रोस्टेड है, हल्दी 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ये स्टॉक जब बॉयल ही होता होगा, जब गर्म है, मैंने अभी अभी निकाला है, ये गर्म में ही हमने इसके अंदर ये गेहूँ मिला देने हैं और इसको मैं फिर बॉयल होने छोड़ दूंगी। इसके अंदर और मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, ये हल्दी और नमक वाला ही पानी था स्टॉक जो हमारा था वो। 4th स्टेप के लिए हमें चाहिए पुदीना 6 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ, 5 टेबलस्पून जितना हमें चाहिए धनिया हरा चॉप किया हुआ, 1/2 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, 1/2 प्याज इसको मैंने बघार के स्टाइल में कट कर लिया, इसका बघार करना है हमने, ये है सौंफ 1/2 टीस्पून क्रश की हुई, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंठ जो ड्राई जिंजर होते हैं उसका पाउडर, और 3 इलायची को मैंने इलायची के दानों को मैंने पीस लिया, तो ये उसका पाउडर है। मैंने ऑयल ले लिया थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून जितना। अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी हमारा ये जो साबुत मसाला है, ये जब ये मसाले में स्मेल आना लगे हम इसमें डाल देंगे प्याज, और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो हम इसमें डाल देंगे हमारा ये मसाला। ये मिक्स होने के बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इसको हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट में हमारा गोश्त जब भुन जाएगा हम इसमें डाल देंगे हमारे पाउडर मसाले। अगेन इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ऐसे ही भूनते हुए। मैं इसको हल्की फ्लेम पे कवर कर लूंगी। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको कवर करके हल्की फ्लेम पे पकाया, ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर मिला दूंगी पानी, जितना गोश्त गले उतना हमने पानी मिलाना है, और इसको लो फ्लेम पे कवर करके हम इसको कुक कर लेंगे जब तक कि गोश्त गल जाए। गेहूं को मैंने पकने छोड़ दिया है, अब मैं इसमें एक बॉयल आ जाएगा फिर इसको स्लो कर दूंगी। 30 से 25 मिनट में ये बॉयल होने के बाद हल्की फ्लेम पे ये हमारे गेहूं पक गए, ये देखें। आपको इसको बीच बीच में चमचा चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे लगे ना, अदरवाइज ये नीचे लग जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो पेस्ट मसाले हैं ये, और पाउडर मसाले, इन सब को डाल के हम मिक्स कर लेंगे।
और एक बॉईल आने के बाद हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि इसके अंदर अगर आपको मिर्चों की ज़रूरत हो तो आप हरी मिर्ची और मिला सकते हैं। थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट बाद जब हमारा गोश्त पक जाएगा, ये हमारा गोश्त गल चुका है, अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी स्टॉक के साथ और गोश्त भी मैं इसमें मिला दूंगी। गोश्त मैंने इसमें मिक्स कर लिया, अब मैं इसको कवर करके मज़ीद थोड़ी देर बॉईल करने छोड़ दूंगी। सात से आठ मिनट इसको बॉईल देने के बाद ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, मैंने टेस्ट कर लिया, नमक की ज़रूरत थी मैंने मिला दिया। इसमें हम ये डाल देंगे, ये हमारे पाउडर मसाले, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले। ये मिक्स होने के बाद हम ये हमारे हर्ब्स डाल देंगे, धनिया पुदीना, और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल आने देंगे। तकरीबन 15 टू 20 मिनट इसको मैंने बॉईल दिया, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बघार। मैंने कर लिया, सिर्फ ऑयल डाल के बघार किया था और कुछ नहीं मिलाया। अभी भी मैं इसको कवर कर लूंगी और इसको बॉईल होने दूंगी। मज़ीद मैं इसको 15 मिनट स्लो फ्लेम पे बॉईल करूंगी। ये इतना पतला होना चाहिए, ये गाढ़ा नहीं खाया जाता। इसको मैंने गोश्त डालने के बाद, सारी चीज़ें एक साथ मिलाने के बाद तकरीबन 30 टू 35 मिनट तक इसको बॉईल दिया। अब ये रेडी है डिश आउट के लिए। ये रेडी है हमारा रांधे स्टाइल हलीम। ये आप नींबू या ग्रेप विनीगर के साथ या सिरके के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगेगा। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।